आशीर्वाद पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि आप भूल गए हैं चेला आपका। नहीं ऐसा कुछ आएंगे दोनों चाचा भतीजा, कब मीडिया में आएंगे एक साथ इंटरव्यू कब, ये बता दीजिए दर्शक। समय सब कुछ ठीक रहा तो जरूर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे थोड़ा हकीकत क्या है, सही में बातचीत दोनों में नहीं होता? नहीं बातचीत होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कल रात में फ़ोन किया था। कब देंगे इंटरव्यू, कब देंगे सच्चाई आज तक? मैं जितने भी दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं कि नहीं चाचा भतीजा गुरु चेला का एक बार इंटरव्यू करके दिखाइए। तो हम गेले काहे सुगनिया सुगनिया अपन खोतवा के छोड़, अहमर फाटो बड़ी गे करे जवा काहे कहिले कठोर, कहबे अपन दिलवा के बतिया राजा पर भाकर कैसे रहतोगे संगतिया। चलिए ये लाइन आप थे कि होबे वाला हो बिया हवा जानू अखिया हमर फड़को हो, आगे कसक के कोरा में धैले रहे करे जावा हम धड़को हो। अभी भैया को किस पर्पज से आप मिलेंगे? इस वर्ष पर्पज से इसलिए आए हैं कि हमारे दोस्त है दोनों, समझिए भाई है, और ये दोनों का पंच म्यूजिक खुला है, अभी 5-6 दिन पहले लॉन्च हुआ है कंपनी। अच्छा। तो भैया के प्रोजेक्ट की बात बारे में बात करने के लिए आए हैं हम लोग। अच्छा, मतलब भैया भी गाना गाएंगे उसी चैनल? हाँ उसी चैनल पे भैया भी गाना गाएंगे, उसी चैनल से मेरा भी गाना आएगा। अच्छा। हाँ, और भैया के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा सोचे, बात कर लेते, जाके मिल लेते हैं। अच्छा, इसी पर्पज़ से आए तो सब बात है। तो अगर कभी संयोग बैठा, हम भी अगर घर पर रहेंगे वो भी घर पर रहेगा, उस वक्त आपको साथ में इंटरव्यू। एक वीडियो भी वायरल हुआ था अभी, शायद दोनों चाचा भतीजा एक स्टूडियो में बैठ के शायद कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर, उसमें क्या सच्चाई है? धनबाद गए थे पप्पू भैया जो हम लोग का म्यूजिक बनाते हैं, और मगही का मतलब मानिए तो स्टार म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और मगही का सभी कलाकार से गुंजन भैया हो गए, जो भी हैं जितने भी कलाकार हैं सब कोई उनका म्यूजिक, पवन सिंह भी उनका म्यूजिक गाए हैं, पप्पू भैया का म्यूजिक। तो हाँ, तो उन्हीं के पास गए थे, तो हम म्यूजिक बनाने के पर्पज़ से नहीं गए थे, हम ऐसे घूमने के लिए गए थे, लेकिन म्यूजिक भी बनवाए हम भी वहाँ बैठ के, वो भी वहाँ पे आया था, फिर हम लोग एक दो दिन साथ ही रहे थे। आशीर्वाद पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि आप भूल गए हैं चेला आपका? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी दिनों से बोल रहा था भाई थोड़ा जानकारी लीजिए, तब हम थोड़ा सा पूछेगा। अभी जैसे जिस तरीके से आप उनको छोटा से बड़ा किए, हर चीज़ों को सिखाएं, अभी तो मान लीजिए एक अच्छा स्टार बन गए हैं, कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अभी जब आपसे मिलते हैं तो क्या पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं या नहीं लेते हैं? पैर नहीं छूते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब कि हमारे सामने ज़्यादा कुछ होते भी नहीं है, मतलब कि जो सम्मान है सम्मान देता है, सम्मान में कहीं हमारे सामने वही जो उसका बचपन का जो चीज़ था वही रहता है, पीठ पीछे जो भी रहे आई डोंट नो, लेकिन बट मतलब कि हमारे पास जब आता है तो जो उसका पहले था मेरे पास वही रहता है। तो लगता है कि कभी फिर दोबारा, जिसे आप देखे हैं बहुत सारे वीडियो में आपका कि दोनों साथ में ही आप लोग गाना गाते थे, अब लगता है उम्मीद जनता रखे कि दोनों फिर कभी एक आपको गाना में साथ रहेंगे? यार ये सब संयोग की बात है, अगर उस तरह होगा तो जरूर साथ रहेगा। तो सर कहाँ के गायक हैं और कैसे ही आपके पास में आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे? ये उदय भैया हैं हमारे सीनियर कलाकार, ठीक है, उदय राज सवेरा के मतलब कि उस वक्त से गा रहे जब हम स्टार्ट भी नहीं किए थे, ठीक है, तो इनसे मेरा बहुत इनसे जान पहचान है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और इनके साथ जो आए हुए हैं वो लोग कंपनी का ओनर है पंच म्यूजिक, एक कंपनी लॉन्च हुआ है अभी जस्ट इधर, मतलब कि 2-4-5 दिन पहले हुआ था, तो बस उसी वही कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप भी काम करेंगे भैया या किस पर्पज़ से? नहीं, उस कंपनी पर हमारा भी प्रोजेक्ट आएगा, वही का लिए बातचीत के लिए सब लोग मिलने आए हैं, और ऐसे भी अपना एरिया का है, एथिक है, तो मिलना तो बनता है। कितने दिन पहले से भैया एक दूसरे से जान पहचान है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शक को जानकारी दीजिए? इनसे हमारा तो अच्छा दिन से है, 2-3 साल से लगातार आप लोग जो एक दूसरे से बातचीत भी चलते रहता है। जब से जान पहचान है तब से, जैसे हैं जैसे मिले थे वैसे अभी तक। ऐसा बोला प्रभाकर यादव जी को कैसे जानते थे सर आप कहाँ से हैं थोड़ा सा ये थोड़ा जानकारी? बस इन्हीं का थोर से जानते हैं। अच्छा, इनके हाँ। आप कहाँ से हैं सर? सर अलीगंज से हैं। आप भी अलीगंज से हैं, आपका क्या नाम है सर? सगमा अलीगंज से हैं। आप भी इस सेक्टर में नया है सर कि पहले से काम कर रहे हैं? नहीं नया है, नहीं अभी हम लोग नहीं हुए, मतलब उदय जी को पहले से जानते थे हम लोग, मतलब फ्रेंड्स है बहुत दिन से, बचपन का आई थिंक। चैनल के बारे में जो प्रोजेक्ट देने के लिए आए सर, तो ये पहला आपका स्टार्टिंग है कि पहले से काम कर रहे हैं? नहीं स्टार्टिंग है,
स्टार्टिंग है, प्रोजेक्ट अभी साइन करने आए प्रभाकर भैया से, तो उसके सिलसिले में बात करने मिलने आए। और आपसे कहेंगे आशीष यादव के बारे में थोड़ा सा बताइए, जब प्रभाकर भैया को तो आप जान रहे हैं, प्रभाकर भैया से मिलने के लिए आए, आशीष यादव जी को आप नहीं जानते हैं? जानते हैं, इनके थ्रू जानते हैं। तो उनसे कभी आप मिले हैं? मिले हैं, एक बार मिले हैं, लेकिन जानते तो हम प्रभाकर भैया के थ्रू जानते हैं। मुझे मतलब ये जानते थे, शुरुआती में ही जानते थे कि प्रभाकर भैया के साथ रहते थे, वो यहाँ पे गाना गाते थे सिवाय म्यूजिक में, तभी से जानते हैं। आशीष यादव का गुरु कौन है, क्या क्या जानते हैं जानकारी? वो तो बोलते हैं प्रमोद प्रेमी, तब जो बोलेंगे वही। अभी नहीं भैया, जो उनको शुरुआती शुरुआती तो प्रभाकर भैया करवाए हैं, हमको इतना पता कि प्रभाकर भैया करवाए हैं शुरुआती, कन्फर्म है इतना पता है कि प्रभाकर भैया अपना साथ में रखे हैं। बहुत सारे वीडियो दिखाते हैं, बहुत सारे दर्शक में ये जानकारी थोड़ा सा सभी में है, सभी दर्शक ये बोलते हैं कि प्रभाकर यादव जो है उनका गुरु के साथ साथ चचा तो ही है, गुरु भी हैं, लेकिन एक दूसरे में विवाद भी चलता है, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वो अंदरूनी आप बोले कि एक कलाकार कलाकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों एक गुरु है एक चेला है, और दोनों में बातचीत नहीं होता, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हो सकता है ये दोनों चचा भतीजा भी हैं, जी हो सकता है, कुछ फैमिली मैटर भी हो सकता है, नहीं तो कलाकारी मैटर भी हो सकता है, तो इस मैटर में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में। तो चलिए, हम लोग जानकारी लिए सर से, और अच्छा लगा सभी प्रभाकर यादव से मिलने के लिए। पटना के कलाकार आए हैं, जमुई के निवासी हैं, लेकिन पटना से चल के भैया से मिलने के लिए आए, अच्छा लगता है कि इतना कम उम्र में कभी पहलवान मिलने के लिए आते हैं, तो कभी सिंगर मिलने के लिए आते हैं, कैसा लगता है भैया? सभी लोग अगर आपके पास आते हैं तो दर्शक तो यही सोचता है कि भाई उनके पास आदमी क्यों जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे वैसे लोग? मुझे बहुत बहुत खुशी होता है, और मतलब कि अच्छा लगता है, और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि लोग हमसे सीनियर जो कलाकार हैं वो भी मुझे मान सम्मान देते हैं, तो ये उन सभी कलाकारों को और उन सभी व्यक्ति जो भी हमसे मिलने आते हैं उन सबका ये बड़प्पन है, क्योंकि मुझ जैसे एक छोटा बच्चा का एक तरह क्या है, अरे 22-23 उम्र है तो छोटा बच्चा ही है, ठीक है, उन लोग आते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। भतीजा साथियों, हम लोग जो हैं जानकारी लिए सर से, प्रभाकर यादव आशीष यादव जी का चचा और उनका गुरु भी हैं, तो उनके बारे में आप लोग बोल लेते तो थोड़ा जानकारी लिए कि बातचीत होता है, लेकिन बहुत जल्द जो है सच्चाई आज तक में साथ में इंटरव्यू भी बहुत जल्द होगा, साथ में कभी का गाना भी आपको आ जाएगा जिस तरीके से पहले आया था, क्या भैया? हाँ, जरूर आएगा, और जैसा होगा फिर हम आगे अपडेट देंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा